यस सर। कल बताओ क्या हुआ था और आज क्या हो गया। क्या हुआ आपके राज बताओ। सर कल आप पोयम लिखवाए थे। अच्छा, कल पोइम लिखवाए थे तो आज हम लोग पोइम का फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करेंगे, उसका रिवीजन। ठीक है, यस सर। तो अभी मैं स्क्रीन पर बुक ओपन कर रहा हूँ और तुम लोगों को सही सही आंसर बताना। बुक दिख रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार रिवीजन करेंगे ताकि सारे बच्चों का रिवीजन हो जाए। फिर इसके बाद इस पर एक गेम बनाएंगे, उस गेम को हम बताएंगे किस तरह से प्ले करना। तो पहले रिवीजन करें, ठीक है। फिल इन द राइमिंग यस सर। वर्ड्स। तो पफिन का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा बताओ। मफिन। वेरी गुड, मफिन। तो पफिन का मफिन हो गया। विश का क्या होगा बताओ। फिश। वाह, वेरी गुड, ये भी करेक्ट। वेदर का क्या होगा? टुगेदर। चलो, ये वाला तो हो गया ए नंबर। अब बी नंबर में कंप्लीट द सेंटेंसेस। द पफिन लिव्ड ऑन एंड क्या होगा आंसर। आइलैंड। वेरी गुड, आइलैंड। द पफिन एट, क्या होगा आंसर। लिटिल फिशेस। लिटिल फिशेस। वेरी गुड, ही हैड देम फॉर डैश एंड फॉर डैश, क्या होगा आंसर। टपर और टी सपर एंड टी He had them for supper and for tea. Very good. Four number. The dash could. इस पर एक गेम बनाए हैं, वो अभी हम बताएंगे गेम कैसे करना है, ट्रेन वाला गेम। पहले इसको यहाँ रिवीजन कर। The dash could not play because he had nobody to play with. क्या होगा आंसर बताओ। पफिन। Very good. द डैश आस्क द पफिन इफ दे कुड बी हिज प्लेनेट्स, क्या होगा इसका आंसर। फिश। वेरी गुड, अब लास्ट नंबर। द पफिन नाउ प्लेज विद द फिश एंड ईट्स पैनकेक। पैनकेक्स। वेरी गुड, अब इस पर जो गेम बनाए हैं वो दिखाएं तुम लोगों को। यस सर। तो ये रिवीजन हो गया, अब इस पर गेम कैसे खेलना वो बताते हैं। एक ट्रेन जाएगी, एक ट्रेन जाएगी, उसमें क्वेश्चन रहेगा ये सब, और आंसर ऊपर पैराशूट में लटकता हुआ जाएगा। बस पैराशूट को टच करना है और सही आंसर को सही ट्रेन के सही बोगी में उसे डालना है। समझ में आई बात। यस सर। चलो, तो अब मैं सर वो गेम, एक बार आप उस पे एक गेम भी बनाए थे ना। अभी भी बनाए हैं, अभी यहाँ पर अब उसको खेल कर दिखाते हैं। ठीक यस सर। अभी दिखाते हैं तुम लोगों को, बहुत ही अच्छा गेम है। अभी जो जितना सारा हम लोगों ने रिवीजन किया उसी पर गेम। दिख रहा है गेम वाला पेज दिख रहा है। यस सर। चलो, अब दिखाते हैं, क्लिक करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है अपना नाम लिखने के बाद। अब लेवल वन है, देखो एक ट्रेन आएगी और ऊपर आंसर है। सही आंसर को हम लोग टच करना, फिंगर से टच करना। ट्रेन में क्वेश्चन क्या है। द डैश आफ्टर पफिन इज
क्या है इसका आंसर, इस वाले लाइन का आंसर क्या है? फिश। फिश, तो फिश को टिक करना है और इस कंपार्टमेंट में टिक ये लो। हाँ चला गए, तो अब ये सही आंसर को वो क्वेश्चन ट्रेन लेकर चली जाएगी, ठीक है, और स्कोर कितना आएगा वो ऊपर एरोप्लेन से लिखेगा तुम लोग। अब लेवल टू में है, अब दो क्वेश्चन हो जाएगा ट्रेन में। देखो द पफिन एट, इसका क्या आंसर होगा? द पफिन एट लिटिल फिश, लिटिल फिशेज। ओके लिटिल फिश लिखा हुआ है, उसी को टच करना। लिटिल फिश नहीं आ रहा है, लिटिल फिश कहाँ है? ये क्या हो गया? अच्छा हाँ सर, फिशेस भी हो सकता है। अच्छा फिशेस को हम लोग पिक करते हैं। हाँ फिशेस सही आंसर है, ठीक लिटिल फिशेस। वेदर का राइमिंग वर्ड्स क्या था? टुगेदर। टुगेदर को टच करेंगे, ये टुगेदर। तो इस तरह से सारे गेम को खेलना है, समझ में आई ना बात? यस सर। अभी जो रिवीजन किए हैं उसी पर गेम, तो तुम लोगों को मजा आएगा और लर्न भी हो जाएगा। तो पहले एक बार मैं यहाँ खेल कर बता देता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को लिंक सेंड कर देंगे। लिंक कैंपस के अपने व्हाट्सएप मफिन मफिन का मफिन, ठीक है मफिन को हम लोग क्लिक करते हैं। ये रहा मफिन, ठीक है मफिन को टच कर दिए। द पफिन लिव्ड ऑन एन आइलैंड, आइलैंड को टच कर दिए। आइलैंड। वेदर का टुगेदर हो गया, ठीक है। चलो अब मैं सीधा इस गेम को तुम लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। एक दो क्वेश्चन खेल कर बताते हैं, अब तुम लोगों को सेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले कैंपस केयर में सेंड करते हैं, ठीक है? ओके सर। कैंपस केयर में अभी हम सेंड कर, एक मिनट में चला जाएगा। ये रहा कैंपस केयर, कैंपस केयर में सेंड कर रहे हैं। कैंपस केयर वाला पेज तुम लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है? यस सर। अभी कौन सा पेज दिख रहा है बताओ? कैंपस सॉफ्ट एंड ईआरपी फॉर स्कूल्स। अच्छा मुझे पेज रिफ्रेश करना होगा, तब तुम लोगों को मेन पेज दिखेगा जहां होमवर्क दे रहे हैं। अब यहाँ तुम लोगों को होमवर्क सेंड कर, अब कौन सा पेज दिख रहा है? आदित्य राज सर, एग्रीमेंट डिटेल्स जिसमें नीचे लिखा है। ठीक है, जहाँ होमवर्क सेंड करते हैं वहां चेक करना, ठीक है? ओके सर। तुम लोग क्लास क्या है? क्लास 2B ना? यस सर। सब्जेक्ट इंग्लिश 2।
कैंपस केयर में जा चुका है, तुम लोग सारे बच्चे अपना अपना कैंपस केयर चेक करो, जा चुका है। और अभिजन भारद्वाज और अक्षय कुमार टू भी इस दो बच्चे ने देख लिया। अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूँ, ठीक है? तुम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी सेंड कर दूँ। सर हमको मिल नहीं गया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर चुके हैं। और मैं जूम के चैट बॉक्स में भी सेंड कर देता हूँ ताकि यहाँ से भी मिल जाए। सारे बच्चे जूम का चैट बॉक्स में चेक करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। और मैं अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा देता हूँ ताकि तुम लोगों को वहां से भी मिल जाए, मतलब सारे बच्चों तक ही पहुंच जाए और रिवीजन अच्छी तरह से हो जाए। ये कौन से पेज नंबर पर है बताओ तुम? सर पेज नंबर 84। पेज नंबर 84। ओके। चलो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, चैट बॉक्स में, कैंपस केयर में सब जगह सेंड कर दिया। शिवम पानी पी रहा है, ठीक है शिवम, समझ में आई बात? रिवीजन हो गया ना, अनम्यूट हो जाओ। यस सर। कोई प्रॉब्लम समझ में? पेज नंबर 84 जो भी समझाए, समझने में कोई प्रॉब्लम? क्या राज आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर आ रही है। तो शिवम कुछ बोल नहीं रहा, हमसे पूछ रहे हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है प्रियांशी, कोई प्रॉब्लम समझने में किसी बच्चे को? पेज नंबर समझने में कोई प्रॉब्लम प्रियांशी? नो सर। सारा पॉइंट याद हो गया है तुमको प्रियांशी? प्रियांशी यस सर। सुनाओ तो आठ लाइन सुनाओ तो ये पॉइंट। वंस देयर वाज अ पंपकिन, लो ये कहाँ चलेगी? बताओ पॉइंट्स नाउ प्रियांशी। यस सर। तुम लोग जितने भी बच्चे हो वीडियो अपना ऑन कर दो। हाँ सुनाओ। Oh, there once was a pumpkin, the shape of a muffin, and he lived on an island in the big blue sea. He had little fishes, there were more shells, and then for supper, and then for tea. But this poor little muffin, he could play nothing for anybody to play with at all. ठीक है, बहुत ही अच्छा याद तो है तुमको, लेकिन एक बार फिर से सुनाओ तो हम फिर से सुनना चाहते हैं। बोलो फिर से। यस सर। Oh, there once was a puffin, that the shape of a muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He had little fishes, that were most delicious. He had them for supper, and then for tea. But this
but this poor little muffin, he couldn't play nothing for anybody to play with at all. Very good. ये लिंक मिल गया ना तुमको? मैंने अभी सेंड किया, लिंक मिल गया ना? अब तनुप्रिया अनम्यूट हो जाओ, तो तनुप्रिया वीडियो ऑन करो। पोइम याद है या भूल गई? यस सर। पोइम यस सर है। सुनाओ तो। सर है याद? सुनाओ ना। Oh, there once was a puffin, just a puffin muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He had little fishes that were most delicious. He had them for supper, he had them for tea. But this poor little puffin, he couldn't play nothing, for he had anybody to play with at all. Very good. चलो याद है? किसी और से पूछते हैं। सर मैंने दे दिया, मैं फर्स्ट पे हूँ। अच्छा तुम फर्स्ट पे हो। ये पोएम सुनाओ, तो याद है भी या पोएम भी सुनाओ। Oh, there once was a puffin, just the shape of a muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He ate little fishes that were most delicious, and he had them for supper, and he had them for tea. But this poor little puffin, he couldn't play nothing, for he hadn't anybody to play with at all. Very good. इतना सा सारे बच्चों को याद करना है। वैसे तो मैंने क्लास में भी खूब रिवीजन कराया था, इस वजह से सब भी तुम लोगों को याद है कि नहीं? क्लास में रिवीजन कराया था तुमने? एमडी दिशा। यस सर। यस सर। चलो अब तुम सुनाओ। Oh, there once was a puffin, just the shape of a muffin, and he lived on island in the bright blue sea. He ate little fishes that were most delicious, and he had them for supper, and he had them for tea. But his poor little puffin, he couldn't play nothing, for he hadn't anybody to play with at all. चलो तुमको भी याद है, अब किसी और से पूछते हैं। प्रियांशी से पूछी चुके, तनुप्रिया से भी, अर्ना सिंह राठौर तुम सुनाओ। Oh, there once was a puffin, just the shape of a muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He had little fishes that were most delicious, and he had them for supper, and he had them for tea. But this poor little puffin, he couldn't play nothing, for he hadn't anybody to play with at all. Very good. तुम लोग जितना जितने बच्चे poem सुना रहे, सारा video record हो रहा है, YouTube पर डाले थे, तुम लोग खुद को देख भी सकते हो। कृष्णा से पूछते हैं। कृष्णा, कृष्णा यस सर। नो सर। देयर वंस वाज़ अ पफिन, that the shape of a muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He ate it that were most delicious, and he hadn't them for supper, and he hadn't them for tea. But this poor little puffin, he couldn't play nothing, for he hadn't anybody to play with at all. Very good. आज तो सभी को याद है। आरव कुमार वर्मन, आरव कुमार वर्मन। Yes, sir. चलो बोलो। Oh, there once was a puffin, just the shape of a muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He ate little fishes that were most delicious, and he had them for supper, and he had them for tea. But this poor little puffin, he couldn't play nothing, for he hadn't anybody to play with at all. वाह, सबको लगता क्लास में जो याद कराए तो याद हो गया। अब और एक दो बच्चे। सक्षम कुमार को याद है? सक्षम कुमार से पूछते हैं। थानवी राज, थानवी सुनाओ तो। थानवी। Oh, there once was a puffin, just the shape of a muffin, and he lived on an island in the bright blue sea. He ate little fishes that were most delicious, and he had them for supper, and he had them for tea. But this poor little puffin, he could not play nothing, for he had not anybody to play with at all. चांदी को भी याद है। अच्छा प्रियांशु चौबे, प्रियांशु चौबे, प्रियांशु चौबे, प्रियांशु
और आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल हम लोग चैप्टर 13 में जाएंगे, चैप्टर 13 का रिवीजन वगैरह करके रखना, फिर चैप्टर 13 का भी हम पूछेंगे या फिर टेस्ट लेंगे, उन लोगों को रेडी रहना। सभी को अनम्यूट कर दिए, बाय बोलिए, बाय एवरीवन।